नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हैं भूपिंदर सिंह जी के पास। भूपिंदर जी सीईओ और फाउंडर हैं इन्वेस्टमेंट प्लैनेट के, और भूपिंदर जी इस इंडस्ट्री में पिछले काफ़ी समय से हैं। उन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनीज में भी काम किया हुआ है और एक वो वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप को भी हेड कर चुके हैं। भूपिंदर जी आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। भूपिंदर जी, इस साल 75 साल हो गए हैं हमारी आज़ादी को और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश ने बहुत कुछ अचीव किया है, लोगों ने भी उसमें बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन अभी भी वैसा बहुत कुछ है जो करना बाकी है। फाइनेंशियल फ्रीडम की जब हम बात करते हैं, एक्चुअली अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत क्या है। थैंक यू विशाल जी, आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है और इसकी क्यों जरूरत है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह है कि वन शुड हैव इनफ मनी टू मेक डिसीजन और चॉइसेस दैट यू वांट टू मेक। जैसे क्या उसमें चॉइसेस हो सकते हैं, कौन से आपके फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं। हो सकता है आपको एक अपने ड्रीम हाउस खरीदना हो और आप इतने फाइनेंशियली आपने अपने को इतना स्ट्रांग कर रखा है कि आपको उसमें पैसे की वजह से आपके ये गोल को आप डेफर नहीं कर रहे, पोस्टपोन नहीं कर रहे। ये फाइनेंशियल फ्रीडम है। आप अपने चॉइस का घर ले रहे हैं, आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज रहे हैं, पैसे की वजह से आपको कोई ऐसी कोई अड़चन नहीं आ रही है, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। आप अपनी मर्जी से अपनी इच्छा जो लाइफ आपने सोची थी आगे कंटिन्यू करने की, उस लाइफ पे आप काम कर रहे हैं और चल रहे हैं, दिस इज फाइनेंशियल फ्रीडम। आप अपने एक टाइमली एक अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से रिटायरमेंट हो रहे हैं, दिस इज फाइनेंशियल फ्रीडम। यूएस के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफे, यूएस के नहीं ग्लोबली ही इज नंबर वन इन्वेस्टर, उसको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड ग्लोबली सारे इन्वेस्टर उनको फॉलो करते हैं। उनकी एक फेमस लाइन है, नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। तब क्या करें, जनरली आदमी लोगों की एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है, या तो बिजनेस करते हैं या सैलरी करते हैं या नौकरी करते हैं। तो सेकंड सोर्स कैसे वो क्या है, वो आगे बोलते हैं, पहले वो बोलते हैं नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ए सेकंड सोर्स। मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से बनाओ कि वो आपके लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमारे पास ऐसे क्या से चॉइसेस हैं कि हम अपनी मर्जी से जितना अमाउंट चाहें उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकें, जितने पीरियड के लिए चाहें, जितने टेन्योर के लिए चाहें उतने टेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकें, जो स्कीम हम चाहते हैं, जो हमें सूट करती है उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को, जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ चूजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, चूजिंग ऑफ पीरियड, चूजिंग ऑफ अमाउंट। आप 500 रुपए से लेकर 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 जो भी आपको ठीक लगता है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वन टाइम करना चाहें तो वन टाइम कर सकते हैं, धीरे धीरे करना चाहते हैं SIP के थ्रू तो वो भी कर सकते हैं। फ्लेक्सीबिलिटी है, जब चाहे म्यूचुअल फंड से पैसा ले सकते हैं, जितना पैसा लेना है वापस उतना पैसा वापस ले सकते हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने इसको एक पैकेज कर दिया है SIP इन्वेस्टमेंट को, उसका इसका नाम दिया है फ्रीडम SIP। बहुत सिंपल है, आप एक अमाउंट चूज कीजिए, अपनी आखिरी है कोई भी अमाउंट चूज कीजिए। सपोज आपने 10,000 का अमाउंट चूज किया मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए SIP के लिए, आप उसको टेन्योर चूज कीजिए, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, जो भी आपको है चूज कीजिए। ये क्या कहते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपए 8 साल के लिए पर मंथ लगाए तो 10 साल के बाद आपको उतने ही अमाउंट जो 10,000 है आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर सकते हैं। और कब तक विड्रॉ कर सकते हैं, टिल यू सर्वाइव, तो जब तक आप चाहे 10,000 कर सकते हैं। आप कहते हैं 10,000 से क्या होगा, मेरे को तो ज्यादा अमाउंट चाहिए, तो आप टेन्योर बढ़ाइए, 10 की जगह 20 कीजिए। तो ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम है। सो स्टार्ट योर SIP एज अर्ली एज पॉसिबल टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। निवेश से पहले योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।